हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल शर्मा हेयर सो आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू सीरीज़ की वर्कशीट नंबर फाइव uh, बाकी की वर्कशीट आप प्लेलिस्ट लिस्ट पर देख सकते हैं वहाँ पर है और सीरियस एसपैरेंट्स लास्ट तक बने रहेंगे और जो भी uh, नए आज देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप टाइम टू तो टाइम नोटिफाइड रहे हमारी हर वीडियो से फर्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 से लिया गया है ऑप्शन हैं मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पेइंग टैक्सेस रजिस्टरिंग प्रॉपर्टीज डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट ओके देखिए आंसर बहुत ही ऑब्वियस लग रहा है आंसर इज ऑप्शन ए मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ठीक है इसके लिए हम और पैरामीटर्स देख लेते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के ये आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके ओके मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज भावनाकांत अवनी चतुर्वेदी एंड मोहना सिंह देखिए जो भी डिफेंस एस्पायरेंट्स हैं सीडीएस एनडीए के लिए उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट uh, क्वेश्चन बनता है ये और इसका करेक्ट आंसर है सी फाइटर पायलट्स ओके जो भावना कांत अवनी चतुर्वेदी एंड मोहना सिंह है ये हमारे फाइटर पायलट्स हैं सो दे आर द लेडी ऑफिसर्स बिलोंग्स टू इंडियन एयरफोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान मलेशिया लाओस स्विट्जरलैंड सिंगापुर देखिए जो भी ये इंटरनेशनल फॉर्म्स होते हैं आसियान जी ट्वेंटी ओके जितने भी फॉर्मल या इनफॉर्मल समिट्स होते हैं ब्रिक्स ये सारे के सारे जो भी हैं इनकी जो मेंबर नेशंस हैं ये आपको याद होने चाहिए इसका आंसर है सी स्विट्ज़रलैंड ओके देखते हैं मेंबर नेशंस म्यांमार थाईलैंड कंबोडिया सिंगापुर इंडोनेशिया लाओस वियतनाम मलेशिया फ़िलिपिंस ब्रोनी ओके ये दस के दस मम्बर स्टेट्स हैं आसियान के इंपॉर्टेंट हैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा और चेंज करके भी ये क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेंट इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शनज हैं क्रूड ऑयल प्राइसेज कॉपर फ्यूचर प्राइजेस गोल्ड फ्यूचर प्राइजेज या शिपिंग रेट इंडेक्स ठीक है जिनकी इको थोड़ी वीक है उनके लिए काफ़ी टफ क्वेश्चन बन जाता है आंसर इज ए क्रूड ऑयल प्राइस ठीक है आइए इसका ग्राफ देखते हैं ब्रेंट इंडेक्स का देखिए ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो इंडेक्स है ये हमें क्या बताता है ठीक है एग्जाम्स में वही पूछा जाएगा ग्राफ नहीं पूछा जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग यह क्वेश्चन आपका एच एस से लिया गया है ठीक है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर स्टेटलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट टोटल एलिमिनेशन ऑफ ओजोन डिपलेटिंग सब्सटांसेस बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है और यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी टोटल एलिमिनेशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटांसेस जैसे आपके और प्रोटोकॉल है क्योटो प्रोटोकॉल है, है आपका कार्टिना प्रोटोकॉल है पेरिस डिक्लेरेशन है बिजिंग डिक्लेरेशन है इसमें क्या क्या हुआ था या मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे वो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओके बाकी इन्फॉर्मेशन आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं ओके लास्ट क्वेश्चन इज डिमोस सेटेलाइट ऑफ विच प्लानेट मार्स जुपिटर सैटन नेपच्चून देखिए ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो थोड़ा स्पेस की नॉलेज रखता है आंसर इज ए मार्स मार्स के पास दो ही सैटेलाइट है फोबोस एंड डिमोस और अर्थ के पास एक ही सेटेलाइट है मून ठीक है इस तरह से लार्जेस्ट सेटेलाइट किस प्लेनेट के पास हैं वो आप कमेंट करेंगे मुझे ये यहाँ पर डिमोस का आपका विजुअल है अब लास्ट में एक क्लिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं डिड इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज रिनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1953, 55, 57 या 61, ठीक है इसका जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट करिए और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए ओके और बाकी कोविड uh, पेंडेमिक चल रहा है तो प्लीज़ घर पर रहिए ओके स्टे होम स्टे सेफ गॉड ब्लेस यू ऑल